हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार जनता दरबार के बारे में। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा फिर से जनता दरबार लगाया जा रहा है, जो कि पिछले 5 सालों से नहीं हुआ था। 5 साल पहले ही जनता दरबार लगाया गया था, लेकिन अब उसे फिर से चालू कर दिया गया है ताकि जनता की समस्याओं को सीधा समाधान किया जा सके। उसके लिए आपको अब ऑनलाइन आवेदन करने होंगे जनता दरबार में जाने के लिए, क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के बाद ही ये सारी समस्या आपकी सॉल्व होगी जनता दरबार में जाने के बाद ही। तो दोस्तों, आप मोबाइल से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जनता दरबार की, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप आसानी से जनता दरबार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यानी कि इस तरह का पेज आपको ओपन होगा, जहां आप देख सकते हैं जनता दरबार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। यहां आप अपने आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की जो स्थिति है उसे भी आप चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं कि बिहार में कितने लोगों ने यहां आवेदन कर रखा है अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए। यहाँ बहुत से लोगों ने आवेदन भी कर रखा है। और दोस्तों, यहाँ जो आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ आप जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं, और नीचे जो ऑप्शन दिख रहे हैं वहाँ से आप अपने आवेदन की स्थिति को भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आवेदन करेंगे तो ऊपर की कॉलम पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ से आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि आपको अपना नाम, फादर्स नेम और आधार संख्या देनी होगी। साथ ही आपको अपना लिंग और जन्म का वर्ष आपको यहां लिखना होगा और आधार से वेरीफाई करना होगा। उसके लिए आपको आधार पे OTP नहीं आएगा, लेकिन आपके द्वारा जो यह नंबर दी जाएगी उस नंबर पे ही आपको OTP आएगा, जिसे आपको यहां डालना होगा। तो यहां अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग पे क्लिक करेंगे और ईमेल और मोबाइल नंबर डालते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ अपनी थोड़ी डिटेल्स को हाइड किया है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ दिया है उस मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP मिलेगी, उस OTP को यहाँ फिल कर लेना है। तो दोस्तों, मेरा OTP आ चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया भी है कि यहाँ हमारा OTP आ चुका है। तो अब हम यहाँ अपने OTP को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ हम अपने OTP को फिल करते ही यहाँ OTP सत्यापन पे क्लिक करेंगे। सत्यापन पे क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा, जो आपने पहले सारी डिटेल्स डाली थी वो डिटेल्स भी आपको यहाँ दिखेगी, लेकिन यहाँ आपको और भी डिटेल्स फिल करने होंगे, जैसे आपको अपना पता पूरा देना होगा और साथ ही आप किस विषय में शिकायत करने वाले हैं वो भी आपको यहाँ लिखना होगा, मेंशन करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ हमने सारी डिटेल्स को फिल करेंगे, जैसे कि हमारा पूरा पता और शिकायत किस विभाग के लिए करना है वो भी हम यहाँ से फिल करेंगे। तो हम अपना पूरा पता फिल कर दिए, शिकायत का विभाग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ बेल्ट्रोन के थ्रू कुछ शिकायत करने वाला हूँ, जैसे कि ज्वाइनिंग से रिलेटेड और सैलरी से रिलेटेड। तो यहाँ आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएंगी कि आप किस पर्पज़ पे शिकायत करना चाहते हैं। अगर वो पर्पज़ आपको यहाँ ना मिले तो आप अन्य पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अन्य पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, क्या आपने बिहार लोक शिकायत निवारण में पहले पंजीकृत किया है। अगर नहीं किया है तो नहीं पे क्लिक करेंगे और जिस विषय पे आप शिकायत करना चाहते हैं उस विषय के आप कुछ कॉलम यहाँ पे आपको लिखने होंगे कि आप किस विषय पे शिकायत करने वाले हैं, आपकी समस्या क्या है, वो सारी आपको इस पेज पे लिखनी होगी। विषय वस्तु जो है वहाँ आपको सारी समस्या लिखनी होगी। लिखने के बाद अगर आपके पास उसकी शिकायत के फ़ोटो हैं तो आप चाहे PDF है तो आप PDF या JPG फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ हम JPG फाइल को अपलोड करेंगे, हमारे पास JPG है, तो यहाँ हम अपना अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, अपलोड
करने के बाद आपको जो यहाँ कैप्चा मिलता है, कैप्चा को फिल कर शिकायत दर्ज पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाता है, जिसे आपको आसानी से डाउनलोड कर लेना है। सेव पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा, जिसे यहाँ आपको नंबर भी दी गई है, जिस नंबर के जरिए आप आवेदन की स्थिति को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप बिहार जनता दरबार में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही सही से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाता रहूं आपके लिए और आपकी हर समस्या का समाधान करता रहूं। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई ही होगी। थैंक यू दोस्तों।